राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। प्रत्येक युवक युवती विवाह के लिए प्रायः उत्सुक रहते हैं और यह स्वाभाविक भी है, कोई बहुत बुरी बात तो है नहीं। प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेमिका से विवाह करने के लिए प्रायः अनेकों उपाय करते हैं और प्रेमिका भी अपने प्रेमी से विवाह के लिए प्रायः अनेकों उपाय करती हैं। कभी कभी तो वो सफल रहते हैं मगर कई बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे युवक युवती जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो हमसे एक बार अवश्य संपर्क करें। प्रत्येक युवक युवती विवाह के पश्चात गृह सुख, शांति, संतान एवं संतान से सुख प्रायः सभी व्यक्ति चाहते हैं और ये सब उन्हें तभी प्राप्त हो पाएगा जब विवाह से पहले अपने कुंडली का मिलान भली भांति कर सकने में वो सक्षम रहेंगे। अगर आप विवाह के पहले अपने कुंडली का जन्म पत्रिका मिलान करवा लेते हैं तो प्रायः विवाह के पश्चात आपको गृह सुख, शांति, संतान सुख आदि इन सब चीज़ों में आप सफल रहते हैं। विवाह संबंधित सुख प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ भाव और कुछ ग्रहों पर प्रायः विचार करना होगा। हम आज उसी पर प्रकाश डालने वाले हैं। भाव और ग्रहों पर विचार करके ही यह बात तय हो सकती है कि आपका विवाह होगा अथवा नहीं, या विवाह के पश्चात मानसिक अशांति, टेंशन, तनाव, मतभेद, वाद विवाद एवं तलाक का भी सामना तो कहीं ना करना पड़े। विवाह से संबंधित एवं गृहस्थ सुख दुख हेतु कुछ भाव बड़े ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि सभी भावों का कुछ न कुछ योगदान होता है, फिर भी इन भावों को विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। आप अपने कुंडली को जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। हम उन भावों की चर्चा करने जा रहे हैं जो भाव विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नंबर आता है दूसरे भाव का। आपकी कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वह कुटुंब और आर्थिक स्थिति को दिखलाता है। परिवार के बारे में और आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में हमें दूसरे भाव से देखना होता है। दूसरे नंबर पर आता है चौथा भाव। आपके जन्म पत्री में, आपके कुंडली में जो चौथा भाव होता है उससे घर का वातावरण, परिवेश एवं घर का सुख बताया जाता है। अतः आपका परिवेश कैसा है, आपके घर का वातावरण कैसा है, आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब कुंडली के चतुर्थ भाव से हमें देखना होता है। नेक्स्ट पांचवा भाव। आपके कुंडली के पांचवे भाव से, आपके जन्म पत्री के पांचवे भाव से संतान के बारे में, प्रेम के बारे में और पति पत्नी में प्यार है, प्रेम है, यह दर्शाता है। आपके जीवन में संतान का सुख है या नहीं, आपके जीवन में प्रेम है कि नहीं, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम है कि नहीं, पति पत्नी में आपस में प्रेम है कि नहीं, यह सब देखने के लिए आपके कुंडली का जन्म पत्रिका पांचवा भाव देखा जाता है। और नेक्स्ट है सातवां भाव। आपके कुंडली से आपके जन्म पत्री में जो सातवां भाव होता है वह दर्शाता है विवाह के बारे में, पति पत्नी के बारे में, साझेदारी के बारे में। और जो सप्तम भाव होता है वह आपके विवाह से जुड़ा होता है। अगर आप कन्या हैं तो आपका वर की स्थिति जानने के लिए, और यदि आप पुरुष हैं, युवक हैं, तो कन्या की स्थिति को जानने के लिए आपका पति कैसा मिलेगा, आपकी पत्नी कैसे मिलेगी, हम यह सब देखने के लिए सातवें भाव का विचार प्रायः करते हैं। आपकी शादी कब होगी, कैसी होगी, किससे होगी, इन सब का विचार कुंडली के सातवें भाव से
किया जाता है। नेक्स्ट भाव है आठवां भाव। आपकी कुंडली का जो आठवां भाव होता है उससे आपके गुप्तांगों एवं काम शक्ति से जुड़ी हुई चीज़ों को दर्शाता है। अगर आप कोई गुप्त रोग है, कोई समस्या हो, उसके बारे में जानने के लिए आपकी कुंडली का आठवां भाव देखा जाता है। नेक्स्ट भाव है ग्यारहवां भाव। आपकी कुंडली का ग्यारहवां भाव आपकी इच्छाओं से है। आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं कि नहीं, आपकी मनोकामना पूरी होती है कि नहीं, इन सब का विचार आपकी कुंडली के ग्यारहवें भाव से देखा जाता है। नेक्स्ट भाव है बारहवां भाव। आपकी कुंडली के बारहवें भाव से सैया सुख अथवा रात्रि सुख तथा प्रथम संतान को देखा जाता है। आपके जीवन में रात्रि सुख है कि नहीं, सैया सुख है कि नहीं, और प्रथम संतान के बारे में देखना हो तो कुंडली का बारहवां भाव देखा जाता है। हमने जो भावों का वर्णन यहाँ पर किया है, ये सभी भाव किसी न किसी रूप से सीधे ही विवाह, गृहस्थ सुख, संतान, प्रेम तथा आपकी इच्छा पूर्ति से संबंधित है। जन्म कुंडली में इन भावों के स्वामी ग्रहों की स्थिति, इन पर पड़ने वाले शुभ अथवा अशुभ दृष्टि परखने से ही विवाह संबंधित गृहस्थ सुख, शांति, निराशा एवं दुख को जाना जा सकता है। भावों के साथ साथ विवाह के सूचक व कारक ग्रह मन के प्रेम, प्यार, गृहस्थ सुख आदि के कारक ग्रह भी विचारने की आवश्यकता होती है। शुक्र विवाह, गृहस्थ सुख, पति पत्नी का प्रेम, काम तृप्ति, गृह सुख तथा ऐसी जीवन की समस्त घटनाओं का मुख्य कारक ग्रह है। स्त्री जातक के लिए यह कार्य मंगल को दिया गया है। यह स्त्री के काम प्रवृत्ति उत्तेजना को दर्शाता है। चंद्र एवं बुध मन स्थिति को प्रकट करते हैं। यदि ये बुरे ग्रहों से प्रभावित होते हैं अथवा पारस्परिक दृष्टि ही बुरी हो तो शांति के स्थान पर ये मानसिक तनाव पैदा करते हैं। गुरु पुत्र कारक, संतान कारक तथा वृद्धि कारक है। सूर्य उच्च पद प्राप्ति, यश, मान सम्मान दिलाता है। इनकी ठीक स्थिति घरेलू शांति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। शनि, राहु, प्लूटो, नेपच्यून जैसे ग्रह यदि बुरे हैं तो विवाह से संबंधित भावों एवं ग्रहों को प्रभावित करते हैं, तो गृहस्थ सुख आदि की कामना करना भारी भूल ही होगी। जैसे योग्य कलाकार सुर और ताल का सामंजस्य बनाकर मधुर संगीत बिखेरता है, इसी प्रकार भाव एवं संबंधित ग्रहों का सामंजस्य करके विवाह, घरेलू सुख शांति, निराशा, मानसिक चिंता आदि को जांचना चाहिए। मैंने भली भांति यहाँ पर आपके विवाह से संबंधित भाव और संबंधित ग्रहों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी है। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तो यह ध्यान दीजिए कि बच्चों की कुंडली का मिलान सही तरीके से होना चाहिए। विवाह जीवन में बार बार नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आजकल प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विवाह तो हो ही जाता है बहुत धूमधाम से, मगर कुछ दिन के बाद कुछ रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है। और हम अनेकों ऐसे बहनों को जानते हैं, अनेकों भाइयों को जानते हैं जिनके लाइफ में, जिनके जीवन में नौबत तलाक तक भी पहुँच जाती है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, आपके दाम्पत्य जीवन में ऐसी कोई कड़वाहट है कि नतीजा यहाँ तक आ रहा है कि तलाक हो ही जाएगा, तो भी आप निराश ना हो, एक बार हमसे अवश्य संपर्क करें। आपकी समस्या का भली भांति अवलोकन करके, आप लोगों की एनर्जी को रीड करके, आप कुंडली को चेक करके उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। आवश्यकता होगी तो तंत्रों, यंत्रों, मंत्रों व अन्य भारतीय साधनाओं, भारतीय विद्याओं के माध्यम से आपका समाधान किया जाएगा। और यदि आप युवक युवती
विवाह करने के इच्छुक हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही हो, कोई बाधाएं आ रही हो जिनका समाधान नहीं करवा पा रहे हो, तो भी आप निराश न हो। यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या हो, कोई मानसिक समस्या हो या कोई शारीरिक समस्या हो जिससे आप पीड़ित हो, परेशान हो, तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।